जन्म बाल्यकाल का सुनाया प्रसंग श्रोतागढ़ हुए भाव विभोर। विकासखंड सेरंग क्षेत्र के कंसुआ ग्राम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पांचवें दिन आचार्य द्वारा प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की कथा का मनमोहक वर्णन किया गया। कथा पंडाल में श्रोतागणों की भीड़ उमड़ी, प्रभु श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुन भक्त भाव विभोर हो गए। सरस कथा वाचक विमलेश त्रिपाठी ने प्रभु कृष्ण के जन्म की कथा को बारे में बताते हुए कहा, प्रभु कृष्ण का अवतार हुआ था, उनका जन्म कारगार में हुआ था। अर्धरात्रि का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे, घनघोर घटाएं ध्वनि कर रही थी। प्रभु का आगमन होते ही कारागार के सैनिक निद्रा में चले गए। पिता वसुदेव, माँ देवकी, प्रभु कृष्ण के अलावा उस नगर में कोई नहीं जाग रहा था, सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। वहीं माता को अपने पुत्र की चिंता हुई, क्योंकि उनके भाई कंस ने उनकी 7 संतानों को मार दिया था। वहीं कंस को भय था कि देवकी का 8वां लाल हमारा काल होगा। कथा पंडाल में कथा सुन रहे श्रोतागण भाव विभोर हो गए। व्यास का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कोटेदार अमर सिंह ने बताया, कथा प्रांगण में प्रभु की बाल लीलाओं का मनमोहक वर्णन किया गया। वहीं प्रभु श्री कृष्ण की बाल्यकाल कथा का वर्णन किया गया। शिवपाल सिंह चौहान, पूर्व प्रमुख राम सिंह शाक्य, पूर्व प्रधान सर्वेश कुमार शाक्य सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ रही। उमर देवेंद्र सिंह के साथ अजय राजपूत की खास रिपोर्ट।